Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. The Beats for You भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में हम बातचीत करते हैं भारत में कैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फरोग हो, कैसे उसका दौर दौरा हो, कैसे उसकी बढ़ोतरी हो। और जबकि हम कहते हैं कि हम बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स में लीडिंग नेशन भी हैं, और इसके साथ साथ हमारा इतिहास भी हमें बताता है कि हम किस तरह लीडिंग नेशन थे, हैं और रहेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम आईटी की दुनिया की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो भी भारत के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो फ्रंट रो में हमें नज़र आते हैं। और एक ऐसी ही हस्ती मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, मैं खुश आमदेद कहता हूँ संक्रांत सानूभाई को। वेलकम संक्रांत सानूभाई, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया ताहिर भाई। दुनिया भर में कोविड फैला हुआ है, भारत यही आईटी के काम कर रहा है और आगे भी जा रहा है। आपका इसमें बहुत ही बड़ा वसी तजर्बा है, भारत से भी और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी, आप एक तरह से ब्रिज हैं। ये बताइए कि इस वक्त आज के समय में आईटी की दुनिया में भारत आपको कहाँ नज़र आता है? देखो कुछ एरियाज हैं जिसमें भारत ने काफ़ी अच्छा किया है, जैसे कि आईटी सर्विसेज एरिया है उसमें उसने काफ़ी अच्छा किया है, और लेकिन बाकी कुछ एरियाज में देखें, यानी कि अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड में देखें जिसमें अभी भारत आगे आ रहा है, लेकिन अगर आप चीन से उसका मुकाबला करें, क्योंकि मैं बेंचमार्क के लिए अमेरिका को लूंगा या चीन को लूंगा अगर भारत को आगे बढ़ के वर्ल्ड पावर की दृष्टि की दिशा में जाना है तो हमको इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं अभी आंकड़े कुछ देख रहा था, चीन के अभी 227 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न उसको कहते हैं जो कि $1 बिलियन से ज्यादा डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी हो, प्राइवेट, तो स्टार्टअप कंपनी है जो $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन कर गई है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूनिकॉर्न की दृष्टि से चीन में अभी जो मैंने लास्ट आंकड़े चेक किए शायद अगस्त 2020 के हैं, 227 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि इंडिया में केवल 21 यूनिकॉर्न्स हैं। तो हमको, और चीन यूएस से भी सिर्फ शायद 6-7 यूनिकॉर्न ही पीछे है। तो उस तरह से देखें तो चीन अपना नेटिव इकोसिस्टम में और वर्ल्ड लीडिंग मल्टी बिलियन डॉलर आईटी कंपनीज खड़ा करने में ज्यादा सक्षम हुआ है भारत से। तो ये भारत को की बढ़ाओ को आगे देखना होगा कि हम कैसे पकड़े, कैसे आगे जाएं, हमारे में क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आप बता रहे हैं कि 221 के करीब यूनिकॉर्न जो हैं वो चाइना के, यानी $1 बिलियन वर्थ ऑनवर्ड्स के, और भारत में ओनली 21 अभी तक ऐसी सिचुएशन है। तो हम हमेशा ये क्लेम भी करते हैं कि हम आईटी की वर्ल्ड में बहुत आगे हैं, और जबकि इंग्लिश पे भी हमारे जो आईटी के लोग हैं उनकी कमांड अपरेंटली बेहतर नज़र आती है। तो आपने कहा कि ये देखना होगा कि हम क्यों पीछे हैं अगर सिर्फ चाइना के साथ ही हम कंपेयर करें, और आपकी बात दुरुस्त है कि चाइना और अमेरिका के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है, और तो कंपैरिजन बनता भी कोई नहीं है। बेंचमार्क अगर करोगे तो उन्हीं से करोगे ना, ठीक है ना? तो फिर वाकई ही आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन में, कैसे ये पार्ट हम करेंगे ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है? हाँ, तो एक तो यू नो दो तीन चीजें आई हैं। एक तो जैसे आपने भाषा का, इंग्लिश का सवाल उठाया जी, और अभी तक हमको क्या बताया जा रहा है कि इंग्लिश भारत की एडवांटेज है, इंग्लिश एडवांटेज करके जो सारा एलीट वर्ग है ये बहुत देर से ढिंडोरा पीट रहा है कि इंग्लिश एडवांटेज है। तो मुझे उनको ये बताना चाहिए कि अगर इंग्लिश एडवांटेज है तो चाइना के यूनिकॉर्न्स और चाइना की सारी की सारी पढ़ाई चीनी माध्यम में होती है, और आईटी की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और उसको सभी छोड़ दो, अगर आप आईटी को ही देखते हो तो आईटी में चाइना इंडिया से बहुत आगे है। आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पैटर्न्स जो चाइना फाइल कर रहा है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। और अगर आप सर्विसेज में भी देखते हो
और मैंने जब कभी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री में आए इंडिया में, तो वो कहते हैं बाकी तो सब ठीक है, सर्विसेज में तो हम आ गए हैं चाइना से, लेकिन ये भी नहीं है एक्सटर्नल ट्रेड एंड सर्विसेज। मेरे को 2016 का भी मैं आंकड़ा देख रहा था, चीन के अब 661 बिलियन हो गए हैं और इंडिया के 295 बिलियन है, यानी कि एक्सटर्नल सर्विसेज में भी अब चीन हमसे आगे चला गया। तो सवाल ये है कि यह इंग्लिश एडवांटेज है या नहीं है, और अगर मैं दुनिया में जो भी देश हैं जिनको डेवलप्ड नेशंस कह रहे हैं और जिनकी जीडीपी पर कैपिटा आगे है, उसमें मेरी पुस्तक है जो अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल दी इंग्लिश मीडियम मिथ, उसमें ये कवर किया है कि 20 अगर सबसे आगे देश देखो जीडीपी पर कैपिटा में, वो 20 के 20 कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल में अपनी सारी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, और जो जो अगर 20 सबसे गरीब देखो तो उसमें से 18 ऐसे हैं जिसमें कॉमन लैंग्वेज ऑफ द जो जो लोग काम प्रयोग में लाते हैं भाषा, उसमें आगे की तकनीकी शिक्षा, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उपलब्ध नहीं है, और अंग्रेजी बोलने वाले यानी कि अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले टॉप 20 में कम है और बॉटम 20 में ज्यादा है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी से भारत जो गया भी आगे तो वो क्यों गया, अंग्रेजी के कारण गया या किसी और कारण से गया। तो उसको भी अगर आप देखोगे तो भारत की बहुत पुरानी ये गणित में, मैथ्स में, इसमें बहुत पुरानी इसकी परंपरा रही है। लोग जानते ही हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ, लेकिन जीरो हम बहुत छोटी सी चीज मानते हैं कि अच्छा जीरो में क्या बड़ी बात है, लेकिन जीरो का मतलब पूरा डेसिमल सिस्टम का आविष्कार भारत में हुआ, प्लेस वैल्यू नोटेशन का आविष्कार भारत में हुआ, बाइनरी सिस्टम का आविष्कार भारत में हुआ, और जीरो के बिना आज कोई कंप्यूटर चल ही नहीं सकता क्योंकि सारा वो बाइनरी सिस्टम पे आधारित है, और वो बाइनरी सिस्टम क्या है, उसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये सारा का सारा आपको भारत के संस्कृत के ग्रंथों में मिलेगा। इसके ऊपर हम पुस्तक भी ला रहे हैं गरुड़ प्रकाशन से अभी, तो ये आपको बहुत अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि जो भारत का एडवांटेज रहा आईटी में वो अंग्रेजी के कारण नहीं रहा, वो हमारी परंपरा के कारण रहा है जो गणित गणित में बहुत आगे गई, और जितनी हम अंग्रेजी लाद रहे हैं उतना हम पीछे रहेंगे क्योंकि वो जो परंपरा है वो कटती जा रही है। मैंने बहुत वैज्ञानिकों से बात की, एक आईएएससी में प्रोफेसर है प्रोफेसर गोपीनाथ, स्टैनफोर्ड के पीएचडी है, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर है वहां पे, वो कह रहे मैं तेलुगु माध्यम में पढ़ता था तो तेलुगु के जो छंद होते थे उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के बहुत कॉन्सेप्ट झलकते थे जो हम आज समझ रहे हैं। जो पाणिनि की जो ग्रामर है वो पाणिनि की ग्रामर जो बैकस नॉर फॉर्म आज कंप्यूटर साइंस में कहते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होती है, पाणिनि की ग्रामर उसी प्रकार की स्पेसिफिकेशन में उन्होंने ग्रामर की हुई है, जो कि इतनी एडवांस्ड है कि आप उसका ख्याल भी नहीं कर सकते कि वो ये 3-4 हज़ार पहले की ग्रामर इतनी एडवांस्ड कैसे हो सकती है कि वो इतनी कॉम्पैक्ट कंप्यूटर नोटेशन में उन्होंने पूरी ग्रामर स्पेसिफिक की हुई है। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की खूबियां रही हैं, तो उस उनको हम कैसे उजागर करें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं विश्व गुरु की ओर। यानी बड़े इंटरेस्टिंग आपका ये पॉइंट है कि जो एक मिथ पाई जाती है कि अंग्रेजी की वजह से हमें एडवांटेज है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो एडवांटेज अंग्रेजी की वजह से नहीं है, हमारे अपने इतिहास की वजह से है, और जो एडवांटेज हमसे ले रहे हैं वो अंग्रेजी की वजह से नहीं ले रहे, जैसे चाइना है, वो तो अपनी ही भाषाओं पे रिलाई कर रहे हैं और नॉलेज को ना सिर्फ गेन कर रहे हैं बल्कि आगे भी लेके जा रहे हैं और उसको अपने लिए बेनिफिशरी भी बना रहे हैं। अगर हम ये जो मिथ है, ये जो एक ऑब्सेशन है, भाषाएं सारी अच्छी हैं, इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन ये जो ऑब्सेशन है एक एलीट क्लास का भारत में कि शायद इंग्लिश ही उनको आगे लेके जाएगी, वो भी ख़त्म हो गया इनफैक्ट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, तो क्या फिर हम आईटी की दुनिया में भारत के अंदर फिर किस तरह एटलीस्ट चीन को ही चेज कर सके? जी जी जी, उसमें ना तो दो बातें आपने आपने कही, एक तो मैं एक अंतर करना चाहूंगा अंग्रेजी माध्यम में और अंग्रेजी सीखने में, यानी कि अंग्रेजी सीखना
अच्छी चीज है। लोगों को सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, उसमें कोई है दुनिया की जो इंफॉर्मेशन उसको आप टैप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप माध्यम बदल देते हैं यानी कि मीडियम बदल देते हैं तो उसमें परेशानी होती है। मीडियम बदलने पर परेशानी क्या होती है कि जो बच्चा है आपसे, वो जो गांव में बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, वो गांव का बच्चा है, उसने हिंदी में पढ़ा है, उसने पंजाबी में पढ़ा है, उसने उसने बंगाली में पढ़ा है, वो जब स्कूल जा रहा है तो स्कूल में जब जाएगा और उसको उसके घर की भाषा अंग्रेजी नहीं है, उसके वातावरण की भाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन आप उसको कहोगे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ो, तो उसको कुछ समझ आएगा? क्लास में क्या बता रहा जाए समझ आएगा? ऐसे बच्चे मैं देख रहा हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ अपनी कंपनी के लिए, एक लड़की आई जो कि 10 साल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उत्तर प्रदेश में यूपी में कानपुर के पास एक छोटे शहर में, गांव में भी नहीं, एक छोटे शहर में पढ़ी 10 साल। लेकिन 10 साल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की, ना वो अंग्रेजी का एक सेंटेंस सीधा लिख सकती है और ना वो हिंदी का सेंटेंस सीधा लिख सकती है, क्योंकि आपने उसकी जो जो उसकी समझने की क्षमता है उसको आपने जीरो कर दिया उस पर अंग्रेजी लाभ लाभ के। तो हमको उसके बारे में विचार करना है कि बच्चे की मानसिक जो जो विकास है, बच्चे का बुद्धि कैसे बढ़ेगी, वो उसकी अपनी भाषा से बढ़ेगी, वो अंग्रेजी से नहीं बढ़ेगी। और जो कंप्यूटर की दुनिया है उसमें बुद्धि चाहिए, अंग्रेजी नहीं चाहिए। आपने कहा कि एक हमारे पास होता था तरह से प्राइड कि हम आईटी की जो सर्विसेज की दुनिया है उसमें काफ़ी अपने आप को आगे समझते थे, लेकिन अभी जो एनालिसिस आ रहे हैं हम तो चाइना से उसमें भी पीछे हैं जी। तो जी। मैं इसलिए चाइना पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि एक बेंचमार्क, जैसा आपने शुरू में कहा, हमें बनाना ही पड़ेगा ना, एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा जी, जी। और फिर हम दो बड़ी नेशंस भी हैं, अपनी पॉपुलेशन वाइज भी नेबर्स भी हैं, तो फिर कैसे ये पार्ट पूरा होगा, ये मैं फिर एक बार आपसे जानना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है ना कि चाइना ने क्या किया है हमको समझना पड़ेगा। एक तो चीन की सारी जो आपकी एजुकेशन है वो चीनी माध्यम में हो रही है, ठीक है। उन्होंने एक और भी प्रोग्राम बनाया कि वर्ल्ड में जितना टैलेंट है उसको, उसके आई थिंक उसका नाम क्या था, टॉप 100 प्रोग्राम ऐसी कुछ था उसका नाम, मेरे को नाम भूल रहा है, कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जो टॉप टैलेंट है वो उनकी यूनिवर्सिटीज में कैसे आए, उनको बहुत उनको एल्योरमेंट दे के उन्होंने अपना टैलेंट बनाया। उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसके अंदर टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर पैटेंट्स वो सारे के सारे चीनी भाषा में करते हैं, उन्होंने सिस्टम बनाया कि जब टेक्नोलॉजी कंपनी चाइना में आती है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसको चीनी भाषा में करना होता है, यानी कि उसको अनुवाद करना पड़ेगा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेट करते हैं, एक एंड्रू नग है, बहुत फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मशीन लैंग्वेज की रिसर्च जो अभी पब्लिश हुई, आज पब्लिश हुई, चाइनीज इकोसिस्टम में 24 घंटे में वो चीनी भाषा में पाई गई। ये उन्होंने इस स्तर का अनुवाद का काम करा हुआ है। तो आपको ये हर, और इसमें मैं भाषा की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी भाषा में पढ़ोगे तो आज भारत क्या कर रहा है, अंग्रेजी कह रहा है कि अंग्रेजी से ही हम कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, यानी कि 10% से ज्यादा लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है भारत में, ठीक है। तो यानी कि आपने अपनी पॉपुलेशन को केवल 10% पर रिड्यूस कर दिया, क्योंकि बाकियों के लिए तो बाधा हो गई अंग्रेजी, सिर्फ 10% है जिसके लिए अंग्रेजी का बेनिफिट है। तो आपने चीन के मुकाबले में अपने आप को सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हो, तो आपका एजुकेशन सिस्टम अगर सिर्फ 10% पॉपुलेशन को बढ़ाएगा तो फिर कैसे मुकाबला करेगा? तो ये इस पे गौर देने की जरूरत है। और दूसरी चीज इस पे कि आगे कैसे जा सकते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी की डेमोक्रेटाइजेशन होगी भाषा से। अभी क्या है कि हमने इंटिमिडेशन फैक्टर बना दिया है कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी है तो उससे पहले अंग्रेजी समझनी है। जापान ने ऐसा कोई इंटिमिडेशन फैक्टर नहीं बनाया, जापान में गांव का बच्चा भी सोचता है मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जापान का। और उसके अंदर आप देखो कितने नोबेल प्राइज विनर्स निकल चुके हैं जापान से। जापान का बच्चा सोच सकता है मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ, मैं अपने टोयोटा का सीईओ बन सकता हूँ, और मेरे को अंग्रेजी नहीं चाहिए टोयोटा का सीईओ बनने के लिए, क्योंकि मैं
अमेरिका में जाऊंगा तो एक क्लर्क ले जाऊंगा जो अंग्रेजी में अनुवाद कर लेगा, फ्रांस में जाऊंगा तो एक और डिफरेंट ट्रांसलेटर ले जाऊंगा जो फ्रेंच में अनुवाद कर लेगा, जर्मनी में जाऊंगा तो जर्मनी में अनुवाद कर लूंगा। मेरे को सीईओ बनने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी का अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप अगर जापान के टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को देखोगे उसमें से बहुत कम को अंग्रेजी आती है अच्छी। तो ये हमको सोचना है। और दूसरा टैलेंट के ऊपर फोकस, एक हमारी जो भारत में समस्या हुई है, हमने एक शब्द पकड़ लिया सोशल जस्टिस, लेकिन जो सोशल जस्टिस शब्द पकड़ा है ये भी हमने एक इंपोर्ट करके पकड़ लिया। कोई मेरे को डेफिनेशन कर दे अगर सोशल जस्टिस की तो हर व्यक्ति से पूछोगे वो अपनी कोई डेफिनेशन दे देगा। हम अगर एक और नजरिया रखें कि हमको ह्यूमन पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना, ये नजरिया रखें कि जितना टैलेंट है इस केस किसी देश में उस टैलेंट को हम मैक्सिमाइज कैसे कर पाए, तो उसमें क्या होगा। मैंने कुछ साल पहले आईक्यू टेस्ट लेकर मैं गांव में घूमा और उसमें मैंने पाया कि गांव में बहुत टैलेंट है हमारे, और मेरा मेरा यही मकसद था कि मैं टैलेंट को कैसे ढूंढूं और उसको कैसे आगे बढ़ाऊं। तो कई गांव में घूमा और मैंने पाया कि जो गांव का बच्चा था इंडिया में वो भारत के गांव का बच्चा भारत के शहर के बच्चे से आईक्यू में आगे निकला मेरे आईक्यू टेस्टिंग। और सबसे बड़ी बाधा उस बच्चे के लिए यही है कि जी आगे की पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती है, वो बड़ी कठिन है तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद टैक्सी चलाते हैं। तो ये हमको समस्या देखनी है कि हमको टैलेंट डेवलपमेंट कैसे करें, रादर देन कोई क्राइटेरिया पकड़ ले कि अच्छा हमको सोशल जस्टिस ऐसा वैसा, ये सब हमने कहानियां सुना रखी है। सब टैलेंट राइज करेगा तो सबको वैसे ही अफ्लुएंस मिलेगा, तो हर टैलेंट को हम हर गरीब से गरीब बच्चे की हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने टैलेंट के मुताबिक वो ऊपर से ऊपर राइज कर पाए। और ये चाइना कर रहा है और भारत नहीं कर रहा। आई मीन वहाँ पे ये एनवायरनमेंट अभी भी कायम नहीं हुई। एजुकेशन सिस्टम चाइना का गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, हम सब जानते जी, हैं जी। भारत में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, और भारत में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो सक्सेस नज़र आ रही है फ्रैंकली वो तो चाइना से नज़र आ रही है। यहाँ पे एलीट भी पैसा लगा रहा है, दूसरे भी लगा रहे हैं पैसा, और एक हॉच पॉच है, कुछ समझ नहीं आ रही कि एजुकेशन सिस्टम इनफैक्ट किस तरह का है। जो मैं भी जब भारत जाता हूँ महसूस होता है मुझे भी कि कोई एक मॉडल नज़र नहीं आता। अमेरिका में नज़र आता है मॉडल एजुकेशन का, कनाडा में नज़र आता है, हमें पता होता है कि ये एजुकेशन का मॉडल है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, भारत में ये है कि जितना कोई पैसा फेंकता है अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने के लिए वो कहता है यही मॉडल है, जितनी वहाँ पर अंग्रेजी मीडियम चलती है वो कहता है यही मॉडल है। जी, तो वो जो एक लीडिंग नेशन है भारत आईटी में कंप्यूटर साइंस में, और जो इससे भी आगे बहुत जा सकता है, लेकिन वो फंसा हुआ है इन छोटे छोटे पैटी इश्यूज में। जी जी जी। तो फिर एजुकेशन सिस्टम को कैसे, क्या सरकार बेहतर करे या फिर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसमें जंप करें, क्या कैसे हो? ये बहुत अच्छा सवाल आता है भाई, बिकॉज अगर आप देखो इसको तो हमको इसमें चीन में भी जाने की जरूरत नहीं। चीन का मैंने प्राइमरी लेवल का एजुकेशन सिस्टम इतना ध्यान से स्टडी नहीं किया, लेकिन अमेरिका का क्या एजुकेशन सिस्टम है वो मैंने स्टडी किया है। तो अमेरिका में देखो, अमेरिका में हमने स्कूल, अमेरिका में 90% से ज्यादा, वैसे कैपिटलिस्ट देश माना जाता है, 94% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं अमेरिका में, चीन को छोड़ दो अभी, ठीक है। तो लेकिन वो सरकारी स्कूल कैसे चलते हैं, एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में चलते हैं, यानी कि आपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट बना दी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और वो एक शहर के दायरे की स्कूल डिस्ट्रिक्ट होती है या उससे भी छोटी होती है, और जो पेरेंट्स हैं वो ही जो जिनके बच्चे उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उन्हीं में से चुन के लोग जाके स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और स्कूल डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। जो भारत में क्या समस्या है कि वो जो सारा का सारा व्यवस्था है, जो एजुकेशन की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी कॉलोनियल है। कॉलोनियल व्यवस्था को हमने बदला नहीं है, और कॉलोनियल व्यवस्था पूरी कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था है, वो सेंटर से निकल रही है, और ये हर एरिया ऑफ गवर्नेंस में है प्रॉब्लम। ये आपको ये सभी मिल जाएगी, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब में मिल जाएगी,
कि ये जो ब्रिटिश का सिस्टम था ये एक सेंट्रलाइज व्यवस्था उन्होंने बनाई। भारत का प्राचीन सिस्टम कभी ऐसे सेंट्रलाइज नहीं था, भारत में एजुकेशन कभी इस तरह से सेंट्रलाइज नहीं थी। कैसे होती थी एजुकेशन? कि गांव में मंदिर है, मंदिर की एंडाउमेंट है, और जो मंदिर की एंडाउमेंट में जो 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 शिक्षक है उससे उसको पैसे मिलते हैं, गांव का शिक्षक है और उससे सब बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी मिथ है कि सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते थे, नीची जाति के पढ़ते नहीं थे। ये जो ब्रिटिश के ही आंकड़े हैं जब वो शुरू शुरू में आए कि सब जातियों के बच्चे भारत में स्कूल में पढ़ते थे। तो हमने अभी समस्या क्या कही है भारत में कि जो सरकारी सिस्टम है वो पूरा सेंट्रलाइज कर दिया, और उसको सेंट्रलाइज करने में क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस सिस्टम में। कहीं पे भी वो अकाउंटेबल नहीं है, पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है कुछ भी, चाहे टीचर आए ना आए, चाहे आके सोए, कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, उसको अपनी तनख्वाह मिलती जाएगी, पेंशन की तरह उसको लग गई है। तो ये समस्या है जो सरकारी स्कूल सिस्टम है। और जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है वो कहने को नॉन प्रॉफिट है वो, लेकिन वो सारा पैसा बनाने के लिए और बहुत हाई प्राइस्ड है, जो कि कॉमन जनता अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इन्होंने आरटीई में क्या किया, राइट टू एजुकेशन एक एक्ट पास किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को एक पुअर बच्चों के लिए कोटा रखना पड़ेगा जिसमें पुअर बच्चे वो एडमिट करेंगे। आइडिया तो पहली बात तो सरकार कह रही है कि हम फेल हो गए, हम सरकारी स्कूल चला नहीं सकते। ठीक है, अगर आप फेल कर गए हो गए सरकारी स्कूल चला नहीं सकते तो बंद कर दो। क्यों क्यों उसके ऊपर क्यों उस पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो अगर तुमसे नहीं चलता? बंद कर दो, हर पेरेंट को एक वाउचर दे दो, हर पेरेंट को कहो कि तुम्हारी हर बच्चा जो स्कूल गोइंग है उसके नाम पे 10,000 रुपया महीना तुमको मिलेगा, और वो वाउचर केवल आप स्कूल में जाकर यूज कर सकते हो, आप किसी और खर्चे के लिए नहीं कर सकते। तो पूरा आपका प्राइवेट नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। उन प्राइवेट स्कूल्स के लिए आप एक इवेल्युएशन क्राइटेरियन बता दो कि उसका क्या आउटकम बेसिस होना चाहिए, कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर, यानी कि आपके कितने कमरे हैं, आपका फेंस लगा है नहीं लगा। आरटीई में सब ऐसे ऐसे क्राइटेरिया है कि भी आप गांव के स्कूल, गांव में कहां फेंसेस होते हैं, घरों के बीच में भी फेंसेस नहीं होते, लेकिन अगर स्कूल का फेंस नहीं होगा, स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं होगा, गांव में सभी प्लेग्राउंड है, स्कूल का प्लेग्राउंड बनाने की क्या जरूरत है? अगर है भी जरूरत लेकिन उसको मैंडेटरी करने की क्या जरूरत है? तो आप क्या कहो कि क्या क्राइटेरिया है सरकार का कि 5वीं के बाद बच्चे की इस लेवल पे मैथमेटिक्स और इस लेवल पे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल होनी चाहिए अपनी भाषा में। वो आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, उस क्राइटेरिया के आधार पर जितने मर्जी कोई एक्सपेरिमेंट चलाए प्राइवेट स्कूल के, उनको चलाने दो। हर पेरेंट को एक वाउचर दे दो जिससे वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर अपने बच्चे को एडमिट कर दे। सरकारी ये जो चलता नहीं है स्कूल, इसको बंद कर दो। आप देखोगे 5-10 साल में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आपने जिक्र किया अमेरिका का, यूरोप का, आपका बहुत एक्सपोजर है इस दुनिया में भी उतना ही जितना भारत में है। यहाँ पर कैपिटलिज्म ही है, मगर जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ प्राइमरी ही नहीं बल्कि स्कूल्स का भी और इवन कॉलेजेस के लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी वो एक ही है। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं उनका सिलेबस देखता हूँ, और वो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको एजुकेशन में आगे पढ़ने के लिए, वो भी बहुत है। और ये सारे का सारा काम हो रहा है कैपिटलिज्म के बावजूद। चाइना में कैपिटलिज्म नहीं है अपेरेंटली, लेकिन इनफैक्ट है, उनके अपने स्टाइल का, उनके अपने मॉडल का वो क्लेम करते हैं सोशलिज्म है, मगर वहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड है। भारत में जो प्राइवेट एजुकेशन है वो पैसा बनाने के लिए है, हम सबको पता है। जो सरकारी स्कूल है उनके बारे में ये खदशा होता है कि ये काम नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इस तरह का मॉडल एजुकेशन का भारत में कैसे बनाया जा सकता है कि सरकार के अंदर भी आ जाए और वो एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव भी हो, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल अभी इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया इज अ कॉलोनियल स्टेट, यानी कि जो स्टेट सिस्टम है वो अभी भी कॉलोनियल है, और ये हमारी सभी कॉलोनीज की प्रॉब्लम है, फॉर्मर कॉलोनीज की। यानी कि जब अंग्रेज छोड़कर गए हमने वो वॉइसराय की पट्टी उठा के प्रेसिडेंट रख दिया और कुछ बदला नहीं हमने। फेडरल कोटा नाम क्या है, कलेक्टर बोलते हैं उसको, यानी कि उसका काम ही एक्सटॉर्शन का था सिर्फ,
जनसेवा के लिए उसको कभी नहीं बिठाया गया, वो एक्सटॉर्शन का काम था, वो जिस काम के लिए ब्रिटिश ने बनाया आज भी वो एक्सटॉर्शन में लगा हुआ है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप कॉलोनियल स्टेज का पूरा ढांचा बदलो और ढांचा बदल के कहो कि ये कॉलोनियल स्टेट माई बाप सरकार होने की जगह जन सेवा की सरकार बनेगी जो जनता से निकल कर आएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल क्लास भी, चाहे पार्टी भी चेंज हो जाती है, वो भी कर जाते हैं। मिनिस्टर का भी अभी ट्वीट था किसी का, शायद गडकरी जी का ट्वीट था कि मैं हार गया, मैं कुछ काम कराना चाह रहा हूँ हाईवेज में और मैं सिस्टम से जूझ जूझ के हार गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री आपका ट्रांसपोर्टेशन का, ये कह रहा है कि मेरे से सिस्टम में कुछ नहीं हो रहा और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक प्राइवेट अलग से ग्रुप बनाऊं, इंडस्ट्री से लोग लेके आऊं जो ताकि मेरा हाईवे का प्रोग्राम चलते रहे। तो वो जो सरकारी सिस्टम है इट इज अ करप्टिंग सिस्टम। करप्टिंग सिस्टम मतलब जिसमें ऑनेस्ट बंदा जाता है वो जाके करप्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ करप्शन के हिसाब से चलता है। और अगर कोई ऑनेस्ट बंदा होगा तो उसको तो वो तो वहां से जी नहीं सकता, बिकॉज सबकी सेटिंग हुई हुई है कि ये इस लेवल पे इतना पैसा बनना है, इस लेवल पे इतना पैसा बनना है, इस लेवल पे इतना पैसा बनना है, तो वो बाकी तो उसको जीने नहीं देंगे कि ये तो हमारा धंधा बंद कर रहा है। तो या तो उसको आप पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करो या रिवाइज करो, और अगर नहीं होता वो तो आप कहो सरकार को आप कम से कम छोटा करो, यानी कि जो भी प्राइवेट के लिए आप स्टैंडर्ड्स क्रिएट करो, सरकार का काम हो कि स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे, लेकिन सरकार का काम चलाने का ना हो, क्योंकि जैसी वो चलाती है तो वो फिर वही करप्शन का ढांचा उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। देखिए ये दिक्कतें तो अपनी जगह पे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर को साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए एक तरह से छूट मिली हुई है, यहाँ पर जितनी बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो अपने प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक चल रही हैं। अगर भारत में भी जो बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे वेपनरी बनाने वाले, आईटी की दुनिया में बड़ा बड़ा काम करने वाले, अगर वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ जाएं, तो मसले का हल हो सकता है। जी वो हो रहा है, कुछ एंटरप्राइज लेवल पे कुछ हो रहा है। अब इसमें जो अभी की सरकार है उसने अच्छा काम भी किया है कि डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का, कॉन्ट्रैक्ट देने का। बिकॉज आपको पता है यूएस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ फंडिंग के कारण, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंडिंग के कारण बहुत बढ़ी है, बल्कि इंटरनेट भी डीआरडीओ फंडिंग से निकली। बहुत सारे आविष्कार जो हुए हैं जो प्राइवेट कंपनीज आगे लेकर चली हैं वो इनिशियली डिफेंस फंडिंग से हुई है। तो उस तरह से कुछ अच्छे कदम उठाए हैं सरकार ने कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप में करें। ये कोवैक्सीन जो काम है ये बहुत बड़ी सफलता कहूँगा प्राइवेट सेक्टर का, जो इंडिया आज पूरे दुनिया को वैक्सीन दे रही है, अपने आप को वैक्सीनेट कर पा रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि सक्सेसेस नहीं है और ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन को आपने कोई ढंग का रिफॉर्म नहीं किया, और उनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है उससे भी मैं थोड़ा निराश ही हुआ हूँ, क्योंकि उसमें भी उन्होंने वही जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसी के आधार पर आगे चलाया है, उसको उस तरह से ना डिसेंट्रलाइज किया है और ना ही प्राइवेटाइज किया। तो इस स्टेज पे हमें ये लग रहा है कि एजुकेशन के लेवल पर सरकारी सतह पर वो काम नहीं हो सकता भारत में, क्योंकि जो पुराना कॉलोनियल स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो रातों रातों बदलेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज के लेवल पे, साइंस और डेवलपमेंट के, बिजनेस के जहाँ पर एंगल्स आते हैं उसमें कर सकता है। जो एक्सपर्ट्स भारत के, साइंटिस्ट, आईटी के बड़े बड़े नाम अमेरिका में या दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग साइंस एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया? जी जी, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें तो हम जो लोग बाहर हैं और जो कंपनीज में हैं, डेफिनेटली इंडिया में आउटसोर्सिंग जो हो रही है उससे उससे डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है इंडिया को। तो हम आउटसोर्स कर सकते हैं इंडिया को, उसके प्रॉपर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ये जो अगर भाषा का जो मुद्दा है उस पर काम करना है तो उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज अपनी भाषा में
बुक्स लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू हो। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो बाहर का है, और बाहर के लोग भी, कुछ अमेरिका में और देशों में लोगों ने भी मेरे से संपर्क किया है कि हम ये किस तरह से अनुवाद का काम करें, भारतीय भाषाओं में लेकर आए, किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज कॉन्ट्रीब्यूट करें। आउटसोर्सिंग के तो फील्ड है। एक बहुत मजेदार आपको उदाहरण देता हूँ, जोहो के जो CEO हैं श्रीधर वेम्बू, जोहो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जो भारत से निकली है IT में, उन्होंने तमिलनाडु में गाँव में तमिल माध्यम में बच्चों को पढ़ा के वो अपनी कंपनी में लेकर आ रहे हैं, उसी में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश जितनी सीखने की जरूरत होगी वो तो सीख लेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में समझ आना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जो एरियाज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एरिया है, आउटसोर्सिंग का एरिया है, लैंग्वेज का एरिया है, उसमें हम सब लोग कुछ ना कुछ हाथ बटा सकते हैं। अभी हमने पीछे बात की कि जो प्राइमरी एजुकेशन का जो इशू है वो तो अभी रहेगा भारत में, वो तो अभी एक तरह का क्लैश रहेगा कि क्या हमें अपनी मादरी ज़ुबान में जाना है या वही इंग्लिश को अपने ऊपर, इंग्लिश मीडियम को अपने ऊपर इम्पोज करना है। वो अभी जो इशू है वो कुछ जल्दी हल होने वाला मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन जो उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल कॉलेज स्कूल, जैसे इंडियन IT टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, वो उनको अगर आप देखें, या इसी तरह हायर एजुकेशन के साइंस और डेवलपमेंट में जो खास तौर पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो सिचुएशन है वो आपको कैसी नज़र आती है? नहीं, उसमें कुछ हमने अच्छा काम किया है। जैसे मैं भी IIT कानपुर में पढ़ा और IITs में भी गया हूँ, तो IITs में एक अच्छा स्तर है एजुकेशन का, और वो अच्छा स्तर अधिकतर वो सिलेक्टिविटी के कारण है, क्योंकि आप क्या करते हो कि लाखों के लाखों बच्चे बैठते हैं इम्तिहान में, IIT में कुछ हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो उसमें जो सिलेक्टिविटी के कारण आपका बहुत जो होशियार बच्चे हैं वही आ पाते हैं, और टीचर्स का स्तर भी अच्छा है, तो इसके कारण कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी, यू नो, अच्छे लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी आपको अगर टॉप 100 आप देख लोगे इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड के, उसके अंदर IIT आपको बहुत ही कम लिस्ट में मिलेंगे। यानी कि आपको इसराइल का टेक्नियन जो हिब्रू माध्यम में काम कर रहा है वो मिल जाएगा, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड में अगर आप बेंचमार्क करें, इंडिया में तो IITs है ही बहुत अच्छे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में और बाहर भी काफी रही है, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बेंचमार्क करें तो अभी हमको काफ़ी और काम करने की आवश्यकता है। हमेशा से ये कहा जाता रहा कि भारत से ब्रेन ड्रेन बहुत होता है जी, इस वक्त सूरत हाल क्या है? मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज भारत में ज्यादा बच्चे भारत में रह रहे हैं, क्योंकि IIT का एक टाइम तो होता था कि लगभग पूरा का पूरा बैच बाहर चले जाता था, लेकिन आज भारत में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बढ़ रहा है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी निकल रहे हैं। तो आज की स्थिति मेरे हिसाब से ब्रेन ड्रेन की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है, टैलेंट डेवलपमेंट की समस्या अभी भी है, क्योंकि अभी हम बहुत कम प्रतिशत टैलेंट को हार्नेस कर पा रहे हैं जितना कि हम कर सकते हैं। संक्रांत भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली। आखिर में सम अप कीजिए और बताइए हमें कि जो बातें हमने अब तक की हैं उसकी रोशनी में हम कैसे, वो ख़ास तौर पर जो चीन के साथ ही अगर हम उस बेंचमार्क को देखें जो इतना पीछे जा रहे हैं एजुकेशन के आलमोस्ट बहुत सारे फील्ड्स में जी, वो कैसे हम पाट सकें, कैसे वो जर्नी को, अपने पेस को आगे बढ़ाएं। जी जी, तो अगर मैं उसको सम अप कहूंगा ताहिर भाई, तो यही सम अप होगा कि हमारा सबसे ज्यादा फोकस टैलेंट डेवलपमेंट में होना चाहिए, कि हम टैलेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उसको किस तरह से नर्चर करें, किस तरह से आगे लेके जाए, जिस भी स्तर का टैलेंट है। अगर किसी का टैलेंट शिल्पकार बनने का ही है, किसी का टैलेंट स्पोर्ट्समैन बनने का है, किसी किसी लड़की का कबड्डी में टैलेंट है, किसी किसी बच्चे का ब्रेन कंप्यूटर में बहुत चलता है, जो भी उसके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को किस तरह से नर्चर किया जाए, उसके दृष्टि से हमको पूरा का पूरा सिस्टम चलाना चाहिए। अगर हम उस टैलेंट
दृष्टि की नर्चर करेंगे तो सभी के सभी उसके साथ उठेंगे और सभी के सभी अपने उसके ना, एक संस्कृत में शब्द है स्वधर्म, तो जो स्वधर्म है वो हमारे टैलेंट से भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है कि जो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस दुनिया में जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे करूँ, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे पहुँच पाऊँ। और अगर हम वही सोच से भारत के एजुकेशन में देखेंगे, भारत की इंडस्ट्री में देखेंगे, तो वो भाषा वगैरह वो सब उसी में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे का टैलेंट अपनी भाषा में बहुत तेज से आएगा। अगर पैटेंट वो अपनी भाषा में कर सके तो बहुत तेजी से आएगा। अगर हम सोशल जस्टिस को टैलेंट डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें कि हर जाति में, हर हर बैकग्राउंड में, गरीब हो अमीर हो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, गरीब से गरीब बच्चा उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि उसका टैलेंट पूरी तरह से फ्लावर हो पाए, उस दृष्टि से हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत अपनी जो सही जगह है दुनिया में वहां पर फिर पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें वक्त दिया, और आपसे बातचीत करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं और हमें इनको एनालाइज करना होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बातचीत सुन रहे थे आप शंकरान सानू जी की, जो आईटी की दुनिया में एक खुद बड़ा नाम है और भारत की एजुकेशन की दुनिया में भी वो गहरी नज़र रखते हैं और चाहते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन भी करें और अपनी सजेशंस भी दें और अवेयर भी करें पूरे समाज को कि साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की दुनिया में भारत कैसे आगे जा सकता है। बीट्स के सिलसिला में जो हम साइंस डेवलपमेंट और एजुकेशन की मद में जो बातचीत कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तक जो हमने शोज़ किए ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि एक तो जो हमारी मदर टंग्स हैं भारत की उनमें एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो हमारा जो कॉलोनियल हैंगओवर है उससे हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जापान, रूस, चाइना बग़ैर अंग्रेज़ी के साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुके हैं। अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, मगर जैसा कि संक्रांत सानू जी ने कहा, अंग्रेज़ी में पढ़ना, अंग्रेज़ी मीडियम को अपने ऊपर तारी करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक नॉलेज है वो तो अपनी अपनी मदर टंग में हासिल कर ले जो भी स्टूडेंट चाहता है, उसके बाद वो उसकी चॉइस है कि वो इंग्लिश को सीखे। और मैं ज़रूर समझता हूँ कि जैसे ही कोई स्टूडेंट अपने नॉलेज को बढ़ाएगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए नॉलेज भी बढ़ाएगा, तो उससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसको जॉब नहीं मिलेगी। अब जब जॉब नहीं मिलेगी की बात आती है तो ये भी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है भारत के माशरे में। ख्याल ये किया जाता है कि अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी, और ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी है भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी। जो अपने नॉलेज को जानता भी है, जानती भी है, उसको उस वक्त तक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जब तक वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानेगा या जानेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बात हम सब समझते हैं और जानते भी हैं, लेकिन इस सिलसिला में सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि हम जापान में देखते हैं, रूस में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखते हैं, जहां इंग्लिश मीडियम नहीं है बुनियादी इल्म हासिल करने के लिए। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं, लेकिन जो कॉलोनियल हैंगओवर में रह रहे हैं देश, उनका अभी भी यही ख्याल है कि इंग्लिश आ गई तो सब कुछ आ गया, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। बीट्स में हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह के एनालिसिस करते रहें। आने वाले दिनों में आपको हमारे बीट्स के इनिशिएटिव के बहुत सारे शोज़ देखने और सुनने को मिलेंगे, जिसमें हम आपके सामने जियोपॉलिटिक्स पर भी बातचीत करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो शोज़ उन पर भी बात करेंगे। हमारे बहुत सारे शोज़ ऐसे भी आने वाले हैं जो टेक्निकल टीचिंग से रिलेटेड होंगे, जैसे आप दूसरी वेबसाइट्स पे, दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। हमने ऐसे शोज़ की तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है,
डॉक्यूमेंट्रीज भी आएंगी, वो भी आप देखिएगा। तो टैग टीवी पर बीट्स के लिए आप जुड़े रहें, बीट्स की वेबसाइट thebeatsforyou.com पर आप जा सकते हैं। बीट्स का अपना यूट्यूब चैनल भी आ चुका है इस वीडियो लिंक में, उस यूट्यूब के चैनल को भी हम दिखाएंगे। फेसबुक का पेज भी बन चुका है इस वीडियो लिंक में, हम वो लिंक भी आपको देंगे ताकि आप बीट्स की जो अपनी बीट है उससे भी जुड़ते चले जाएं। और आने वाले दिनों हफ्तों में आप देखेंगे कि बीट्स के इनिशिएटिव में आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। उस इंटरेस्टिंग कंटेंट में आपको एकेडमिक वीडियोस भी मिलेंगे। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।